Hey guys, what's up? Adnanak is back with a new video. So guys, welcome back to my channel Car Hurt. तो जैसे कि आप देख रहे अपने एस्प्रेसो का मॉडल आया बिल्कुल अभी अभी आया, तो स्पेशली जैसे कि हमारी यूट्यूब की वीडियो देख के आए थे, तो आज हम इसमें से एसेसरीज ऐड करेंगे, लाइक आगे इसमें लाएंगे फ्रंट DRL, जैसे कि भी आपको बिफोर वीडियो दिखा रहा हूँ कि इसमें कोई एसेसरीज ऐड नहीं हो रखी, तो जैसे कि इसमें ऐड करेंगे इसमें फोग LED, आप इधर देख सकते हो इधर फोग LED नहीं है एंड इधर DRL भी नहीं है, तो आगे इसमें जब ऐड करेंगे तो इसका फ्रंट लुक बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो जैसे कि डोर वाइजर हैं ये इन्होंने कंपनी से फिटेड करके दिए। उन्होंने बात करते हैं बैक की, तो बैक में जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे लगाएंगे हम रिफ्लेक्टर्स, जैसे कि डमी होती है तो यहाँ पे लगाएंगे रिफ्लेक्टर्स एंड बैक में लगाएंगे इधर कैमरा। तो मैं अपना यही चाहता हूँ कि अपनी वीडियोस के थ्रू आप लोगों को बता सकूँ कि मार्केट में क्या क्या एसेसरीज अवेलेबल हैं जो आप अपनी एस्प्रेसो मॉडल के अंदर लगवा सकते हैं। तो बात करते हैं अंदर इंटीरियर की। तो जैसे कि आप ये देख रहे हो तो यहाँ पे पावर विंडो लग जाएगी, जैसे कि पावर विंडो जब लग जाएगी तो आप बटन के थ्रू इसके मिरर अप एंड डाउन कर सकते हो। तो आपको सारा कुछ दिखाऊंगा, वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, जिससे आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बात करते हैं अब इधर की। तो जैसे कि इसमें स्टीयरिंग कवर की स्टिचिंग करेंगे, आप देख सकते हो स्टीयरिंग कवर नहीं है। अभी सीट कवर्स के लिए कस्टमर मना कर रहे हैं, सीट कवर्स बाद में ऐड करेंगे हम। एंड इधर इसमें ऐड करेंगे फुट स्टेप। तो हमारे इधर हैं राजू भाई, ये काम करेंगे, बढ़िया काम कर देना भैया, आप हो ही एक्सपर्ट फिर। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें और एक एक करके आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे किस ब्रांड की कौन सी एसेसरीज लग रही है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। सो जैसे कि इसमें एसेसरीज लगनी स्टार्ट हो चुकी है, तो जैसे कि आगे आप देख सकते हो फ्रंट में लग रही है इसके DRLs एंड इधर लगा रहे हैं इसमें राजू भाई फ्रंट DRL एंड ये इसमें लग रही है फोग LED, मतलब फोग LED इसमें कम्प्लीट हो चुकी है। बात करते हैं अंदर इंटीरियर की। तो जैसे कि इधर इसमें स्टीयरिंग कवर की स्टिचिंग हुई है, पूरी कंप्लीट स्टीयरिंग कवर की स्टिचिंग हो चुकी है एंड इसमें हो रही है पावर विंडो की फिटिंग। तो आप ये देख सकते हैं पावर विंडो की फिटिंग हो रही है, आपको कंपनी वगैरह दिखा देता हूँ किस कंपनी की लग रही है इसमें पावर विंडो। तो जैसे कि ये लगेगी इसमें RD कंपनी की पावर विंडो लगेगी, पूरी कंप्लीट होकर आपको दिखाएंगे। कितनी वारंटी पावर है इसकी RD की? इसकी 1 ईयर आपको वारंटी मिल जाएगी। ये जैसे पुरानी वाली इसमें से मोटर्स निकल के आपकी, जैसे कि जो पुरानी वाली होती हैं इस टाइप की होती हैं, तो ये निकल जाती हैं इसमें से एंड पूरी इसके अंदर हम नई वाली इंस्टॉल हो जाएंगी, जिसके में बटन के थ्रू आप इसको मिरर को अप एंड डाउन कर सकते हो। तो पूरी आपको मैं कंप्लीट होके दिखाता हूँ, जिससे आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो फाइनली एस्प्रेसो हमारा टॉप मॉडल रेडी हो चुका है, जैसे कि ये VXi+ मॉडल है। तो आज आपको दिखाते हैं हमने इसमें क्या क्या ऐड किया है। तो जैसे कि आगे इसमें लगाई हमने फ्रंट में DRL एंड इधर हमने इसमें लगाई है फोग LED। तो एक बार भैया DRL से ऑन करना जरा, ये रनिंग वाली DRL है, आप देख सकते हो आगे से बिल्कुल एस्प्रेसो का लुक ही बिल्कुल चेंज हो चुका है। एक बार इंडिकेटर्स देना जी, विद रनिंग इंडिकेटर्स हैं, आप ये इंडिकेटर्स देख सकते हो विद रनिंग इंडिकेटर्स, आगे से आप देख सकते हो एस्प्रेसो का कितना बढ़िया इसका लुक आ रहा है। एक बार फोग LED ऑन करना जी, ये देखिए जी ये फोग LED आई है, जैसे बिल्कुल ओरिजिनल वाली इसकी फोग LED होती है। इसमें फोग LED फिटेड हुई है, आगे फ्रंट से आप देख सकते हो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। सो चलो और आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या ऐड हुआ हमने। सो जैसे कि इसमें लगी है पूरी फुट स्टेप, आप ये देख सकते हो एस्प्रेसो लिखी हुई है इसमें फुट स्टेप एंड अंदर इसमें वाइट LED लगी है, जैसे कि नॉर्मल बल्ब आते हैं। तो आप और आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या ऐड हुआ है। तो जैसे कि इसके अंदर हमने मेन करा है इसके, आपके देख सकते हो पूरी मैटिंग, जैसे कि इसमें मैट्स थे इसके ऊपर हमने प्लास्टिक मैट डाले, जिससे पानी वानी डले कुछ ही डले, अपनी सेफ्टी रहेगी आपकी। अब मेन बात करते हैं पावर विंडो की, मेन है पावर विंडो इसके अंदर। सो ये देख सकते हो अब RD कंपनी की इसमें पावर विंडो लगी है, पहले रोल करना पड़ता था, अब आप ईजिली अपना बटन दबा के मिरर अप एंड डाउन कर सकते हो। सो अब हम इसके थ्रू अपना शीशा देखो जी, ये ऊपर कर अपना एंड इसी से अपना नीचे करेंगे शीशे को, स्पीड आप चेक कर सकते हो एंड फिनिशिंग आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग से लगा हुआ है इसके अंदर एंड बिल्कुल ये अपने अंदर जैसे इंटीरियर कलर होता है उसी के मैचिंग का है, कोई कह नहीं सकता कि ये बाहर से लगा अपना। आप ये देख सकते हो पूरा इसके जैसे मैचिंग है ब्लैक और इस कलर के, सेम उसी के हमने इसके बिल्कुल कंट्रोल्स लगाए हैं, अपना ईजी टू यूज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अगर आपको दिखाते हैं कि हमने इसका कैमरा किधर फिटिंग करी है, इसकी कैमरा की भी फिटिंग हुई है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा की फिटिंग हुई है आपको। चलो स्टीरियो में दिखाते हैं एक बारी। तो जैसे कि आपको बताइए ओरिजिनल स्टीरियो है,
तो हमने इसी के अंदर वो कैमरा इंस्टॉल करा है, इसकी वायरिंग होती है उसके थ्रू हमने इसमें ऑन किया। ये देखो ये अब ये चेक कर सकते हो, इसके पीछे क्लैरिटी देख सकते हो, इसमें HD क्वालिटी एकदम। अपना नॉर्मल रिवर्स गियर डाला जैसे कि, तो ये तो ऑटोमेटिक है, अगर आपको भी ये करना है तो ये सिस्टम आपकी भी गाड़ी में हो जाएगा। एंड ये जो फोटो आप देख रहे हो ये आपको मिल जाएगी अमेजन से, जैसे कि कस्टमर बोल रहे थे मैंने अमेजन से मंगवाई, अगर आपको मंगवाना है तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा, अगर आपको भी ये अगर अच्छी लगती है तो आप परचेस कर सकते हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था कि जिससे आप लोगों को पता लग सके कि आपकी एस्प्रेसो में क्या क्या एक्सेसरीज लग सकती है। तो एक मॉडल हमने नॉर्मल मॉडल्स की भी डाली है, मेरे आपके चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, काफ़ी सारी वीडियो डाली है मैंने इसकी, तो आपको कंप्लीट मिल जाएगी, इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। एंड इधर खड़े हुए हमारे कस्टमर। तो भैया कैसा लगा जी आपको वर्क? बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया देख के काम। अच्छा जी, हमने इनकी ड्राइवर की वीडियो काफी टाइम से फॉलो कर रहे थे चैनल, और स्पेशली DRL देख के मैं यहाँ पे आया था इतना दूर से, काफी अच्छा लगा। इन्होंने अभी एक दो एस्प्रेसो की वीडियो डाली और इनसे जब भी मैंने कॉल करके बात करी, हाँ जी हाँ जी, अच्छे से एक्सप्लेन कराया, किस ढंग से एक्सप्लेन करी, सब कुछ बताया और यहाँ पे भी अच्छे से ट्रीट किया। आप लोगों को भी अपनी गाड़ी का काम कराना तो काफी अच्छा लगा जी। हम भी कोशिश ये करते हैं कि कोई कस्टमर आया उसको अच्छे से अटेंड करें, पूरा कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए जी, कोई इसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए कोई काम के अंदर। और हमें भी आपके साथ अच्छा लगा, आपका भी काफ़ी फ्रैंक नेचर था, काफ़ी अच्छा लगा जी। थैंक यू जी। थैंक यू। ओके जी, सो आपको कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड आपको वीडियो स्क्रीन में भी दिखा होगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब न्यू इंडिया स्पॉट। बाय गाइज, टेक केयर।